हेलो एवरीवन, बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2022 सी इंटरमीडिएट के आ चुके हैं। तो सी इंटरमीडिएट ग्रुप वन के बच्चों के लिए अकाउंट्स का आरटीपी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, आपके नॉलेज में जो भी बच्चे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, रिवीजन टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व करें, अपने मॉड्यूल को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। तो रिवीजन टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। जिन बच्चों ने लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट रिवीजन टेस्ट पेपर। तो देखते हैं आरडीपी में हमारे पास इस बार किस टाइप के क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। तो ये रिवीजन टेस्ट पेपर आपके नवंबर 2022 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन होंगे, हम वन बाय वन सारे सॉल्व करेंगे। पहले कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट चैप्टर देखते हैं, जो हमारे पास बड़े चैप्टर हैं। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो काफी टफ लगते हैं बच्चों को, हायर परचे डिपार्टमेंटल। चलिए डिपार्टमेंटल से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं एंड सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कमेंट में मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए डिपार्टमेंटल अकाउंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं डिपार्टमेंटल्स में क्या क्या है। तो वन बाई वन काफी आसान है, इसमें बिल्कुल टफ कुछ भी नहीं। मैसेस बॉम्बे कॉटन हैज टू डिपार्टमेंट्स, किसी कंपनी के पास दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट एक्स एंड डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है दोनों डिपार्टमेंट्स की, राइट। सेल्स गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है डिपार्टमेंटल। बाकी बच्चों को जो जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है या ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उन सभी को ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट है, राइट। तो सॉल्व करते हैं आरडीपी। तो सारी चीजें ओपनिंग है, परचेज है, वेजेस है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। आई होप ये आपसे भी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। आगे क्या लिखा है बच्चों, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, जर्नल एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, कुछ ऐसे खर्चे जो एलोकेट करके नहीं दिए इन्होंने, वाई और जेड में ये वाले एक्सपेंस इन्होंने एलोकेट करके नहीं दिए हैं, तो इन्हें हमें एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन वाई एंड जेड, राइट। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। ऑल एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एक इंपॉर्टेंट बात ये रही कि हम जो खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द डिपार्टमेंट वाई एंड जेड, किस रेशियो में बांटने हैं, ये वाले खर्चे सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, जर्नल एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, किस रेशियो में बांटना है बच्चों आपको, ये बांटना है ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बांटना है, ओके। आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। आगे लिखा है डिपार्टमेंट वाई सेल करता है गुड्स डिपार्टमेंट जेड को, इंटरनल सेल कर रहे हैं एक दूसरे को, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सेल कर रहा है, वाई सेल कर रहा है जेड को, एट अ प्रॉफिट 25% ऑन अ सेल। याद रखना, दिस इज नॉट ऑन अ कॉस्ट, दिस इज ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल। एक इंपॉर्टेंट बात ये रही, डिपार्टमेंट जेड सेल करता है डिपार्टमेंट वाई को 28% ऑन कॉस्ट। ओहो, देयर इज अ सेल एंड यहां पर क्या है, कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट। Each department manager is entitled to 10% commission on net profit subject to unrealized profit on departmental sales being eliminated. Okay, इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, इस लाइन का मतलब है जो डिपार्टमेंटल्स के मैनेजर है, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर है, उनको कमीशन देना है 10% ऑन अ नेट प्रॉफिट, बट लिखा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद, क्योंकि वाई ने जेड को दिया उस वाले प्रॉफिट पे नहीं देंगे हम, और जेड ने वाई को दिया, ठीक है। तो इनकी इंटरनल वाली सेल्स जो है, एक दूसरे के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, जो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, उसको एलिमिनेट करना है। उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मींस स्टॉक रिजर्व निकालने के बाद, यानी प्रॉफिट को बिल्कुल प्योर करने के बाद। स्टॉक ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट वाई टू जेड, वाई ने कितना गुड्स दिया जेड को, 40,000, एंड डिपार्टमेंट जेड ने वाई को कितना दिया, 50,000, राइट। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करता है ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात बताइए लास्ट में, बहुत हेल्प कर दी इस लाइन से, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट जेड 12,000, एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट जेड टू डिपार्टमेंट वाई, जेड ने कितना दिया वाई को, 21,200। ओपनिंग स्टॉक डू नॉट इंक्लूड एनी डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी इंक्लूड नहीं है, किसमें, एनी
इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी इंटरनल ट्रांसफर नहीं है, क्लोजिंग में है। Y टू Z कितना है? 12,000, मतलब Z के स्टॉक में 12,000 होगा। एंड Z टू Y है, इसका मतलब Y के स्टॉक में 21,200 Z का स्टॉक होगा, राइट, जो Z से आया होगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड PNL अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें अपने RDP पेज को, देन फॉर्मेट बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया बच्चों, आप भी ड्रॉ कर लें और देखें कैसे सॉल्व करना है। तो ओपनिंग स्टॉक है 60,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है आपको कितना, 60,000 रुपए का, ठीक है। डिपार्टमेंट्स में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, जो जो आइटम गिवन है पहले उसको पुट कर देते हैं। देखो क्या क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000, 40,000 परचेजेस गिवन है। तो ये सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग में डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं अपना ट्रेडिंग एंड PNL। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है कितना था, 60,000 वाई का था और 40,000 जेड का है, 60,000 वाई का और 40,000 जेड का। अगला आइटम देखते हैं, ओपनिंग के बाद क्या गिवन था बच्चों, परचेजेस वेजेस, ठीक है, परचेजेस और वेजेस। यहां पर हम पुट करते हैं टू परचेजेस, तो परचेज गिवन है 1,20,000 रुपए, और सेकंड डिपार्टमेंट की कितनी है हमारे पास, 1,20,000 और 3,05,400 रुपए, 3,05,400। और वेजेस ये रहे हमारे 70, वेजेस गिवन है कितना, 70,000 और 32, 70 और 32, तो वेजेस भी हमने डाल दिया। वेजेस के बाद गिवन है सेल्स, सेल्स की एंट्री कर दो, सेल्स है 3,10,300 रुपए, ये रही सेल्स, गिवन है 3,10,300 और 3,72,700 रुपए, राइट। तो जो सेल्स गिवन है वो पुट कर दी हमने, 3,72,700, ये सेल्स गिवन है। तो हमें वेजेस गिवन था, सेल्स गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो वो भी डाल देते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक 23,700, ठीक है, 23,700 और 40,700, 23,700 और 40,700 जो गिवन है हमें क्लोजिंग स्टॉक, वो भी हमने क्या किया, पुट कर लिया। अब इंटरनल ट्रांसफर वाली लाइन थी कुछ, इंटरनल ट्रांसफर वो देखना पड़ेगा एक बार कि इंटरनल ट्रांसफर कितना है इसमें, ठीक है। एक आइटम रह गया हमारा इंटरनल ट्रांसफर, सैलरी किसमें आएगा, PNL में, रेंट PNL में, एडवर्टीजमेंट भी PNL में, और जनरल एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ये सारे आइटम कहाँ पर आते हैं बच्चों, PNL में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरनल ट्रांसफर बाई इंटरनल ट्रांसफर, कुछ इन्होंने आपस में ट्रांसफर करी है, और टू इंटरनल ट्रांसफर अभी देखते हैं कितना है। क्वेश्चन पे आते हैं और रीड करते हैं इंटरनल ट्रांसफर कितना था, ठीक है, ये राइट। डिपार्टमेंट वाई जब जेड को देता है तो 25% ऑन सेल्स, डिपार्टमेंट वाई सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट जेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल, और डिपार्टमेंट जेड देता है, डिपार्टमेंट जेड ने दिया, ठीक है, एट अ प्रॉफिट 25%, वाई ने सेल किया जेड को 25% पे और जेड ने किया वाई को 28%, राइट, ये बात गिवन है। ये वाली लाइन देखो, स्टॉक ट्रांसफर करा गया ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट वाई ने दिया डिपार्टमेंट जेड को कितना, 40,000, ओके, और जेड ने कितना दिया वाई को, 50,000, ओके। तो Y की सेल देखो 40,000 है और Z की सेल कितनी है, 50,000। तो चलते हैं पुट करते हैं यहां पर, तो Y की सेल कितनी दी हुई थी भाई, 40,000, Y ने ट्रांसफर करा Z को 40,000, तो Y की सेल हुई है तो Z की परचेज भी तो हुई होगी, नॉर्मल सी बात है, Y की अगर सेल हुई है बच्चों तो Z की क्या हुई होगी, परचेज हुई होगी, ठीक है। तो Z ने कितना ट्रांसफर किया Y को, 50,000, चलो इसको डिफरेंट लिख देते हैं, जेड ने सेल किया भाई 50,000 रुपए गुड्स ट्रांसफर करे वाई को, तो
50,000, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल करते हैं एक बार, टोटल करिए, टोटल करेंगे सारे, ठीक है। पहले जेड वाई का करो, 3,10,000, 340,000 और 23,700, टोटल आ गया 3,74,000, 3,74,000, 374,000 माइनस 60, 120, 70 और 50, 74,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 74,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड का करते हैं, 372,700 प्लस 50 प्लस 40,700, टोटल हो गया ये 463,400। इधर भी कितना हो गया? 463,400 माइनस करेंगे इसमें से 40,000, 305,400, 32,000 एंड 40,000, तो इसका आ गया 46,000। तो दोनों ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिए, राइट। आगे लिखते हैं इसको बाई ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला ट्रांसफर होता है ना नीचे ट्रेडिंग से पीएनएल में, नॉर्मल 74,000 और 46,000, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब सारे खर्चे यहाँ पे बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या क्या था हमारा? सैलरी था और था रेंट। सैलरी है, रेंट है, थर्ड देखो ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है ना, एडवर्टीजमेंट, ये वाले खर्चे सारे के सारे जो अभी हमने डाले नहीं, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के बाद जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस के बाद है भाई डेप्रिसिएशन। अब बताओ इन खर्चों को किस रेशियो में बांटें भाई, इन खर्चों को किस रेशियो में बांटें? यहां लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आया है हमारा भाई 74 एंड 46, इसका रेशियो बना लो, ठीक है। देखते हैं क्या रेशियो बनता है भाई, ये तो थोड़ा ही छोटा होगा, 2, 3 जा 6, 2, 7 जा 14, बस 37 एंड 23, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पहले, 30,000 है, 9,000 है और 24,000 है, ठीक है। तो पहले हम 30,000 सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 37 और 23 होता है भाई 60, कितना होता है इन दोनों का टोटल? 60। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू में 37, भाई ये तो आ गया 18,500, सैलरी आ गया 18,500 और फिर था 23, तो अगला आ गया 11,500। तो जी सैलरी तो हमने डाल दिया, अगला क्या है? रेंट, 9,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू में 37,555,000, रेंट आ गया है 555,000 और देन 23 इक्वल टू आ गया है 3,450,000, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला खर्चा देखते हैं क्या है रेंट के बाद, एडवर्टीजमेंट, 24 डिवाइडेड बाई 60, 400 इंटू में 37, 14,800। डिस्ट्रीब्यूट करो बच्चों जल्दी जल्दी, 23 इक्वल टू 9,200, ठीक है। फिर जर्नल एक्सपेंस है 3,000, जर्नल एक्सपेंस कितना है 3,000, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1,850,1,150, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है 18,000, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू में 37,111,000 एंड 23 इक्वल टू आएगा 6,900, ठीक है। तो ये सारे खर्चे जो अनएलोकेटेड थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, राइट। तो आप देख सकते हैं ये सारे खर्चे आराम से, हमने कुछ भी नहीं, ये बहुत मेहनत का काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। पहले हमने क्या करा, ऊपर वाला पोर्शन ये वाला ड्रॉ करना है ट्रेडिंग वाला, ठीक है। ट्रेडिंग से क्या निकाला? जीपी निकाला। जीपी के बाद अगला स्टेप हमने फॉलो किया और क्या निकालेंगे अब? नेट प्रॉफिट निकालेंगे डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बनाएंगे जनरल पीएनएल। इधर तो है 74,000, इधर है 46,
74 and 46. बच्चों 46,000. अब निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट, बट ये नेट प्रॉफिट अभी प्योर नहीं है. क्यों? देखो, डिपार्टमेंट फर्स्ट ने सेकंड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया था गुड्स. वाई ने जेड को कितना दिया था? 40,000. इसमें भी प्रॉफिट अर्न करा होगा, इसमें भी प्रॉफिट अर्न करा है जेड ने वाई से. कितने परसेंट अर्न करा है ये बात इस बार क्वेश्चन में गिवन है, तो जीपी रेशियो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ओके. तो ये बात आई समझ में कि जीपी रेशियो आपको कैलकुलेट नहीं करनी, क्वेश्चन में मेंशन है. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अभी बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं. 74 minus 18,500 5555 0 14 800 1850 1100. ठीक है, तो यहां पर आ गया 22,200. दिस इज योर नेट प्रॉफिट विदाउट स्टॉक रिजर्व. अब स्टॉक रिजर्व नहीं डाला हमने. 46,000 माइनस करते हैं इसमें से 115,003,450,9200, 13,800. ये यहां तक हमारा कैलकुलेट हो गया नेट प्रॉफिट. ठीक है, अब देखेंगे स्टॉक रिजर्व. ठीक है बच्चों, तो मैनेजर कमीशन देखते हैं क्या करना है. मैनेजर कमीशन के लिए कुछ लिखा था ना आगे यहां तक. जनरल पीएनएल तो क्वेश्चन ने मांगा नहीं, तो इसी में आगे कंटिन्यू कर देते हैं यहीं पर. तो बच्चों जनरल पीएनएल की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहीं सॉल्व कर देते हैं. तो हमारा प्रॉफिट आ गया था भाई, नेट प्रॉफिट जो आया था भाई, नेट प्रॉफिट आया था 22,200 रुपये और 13,800. इसको यहीं ओपनिंग स्टॉक में रिजर्व तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में रिजर्व है, तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाल देते हैं. ठीक है, स्टॉक रिजर्व कह दो या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं इसको. ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट. तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था. तो क्वेश्चन पे आ गए, डिपार्टमेंट वाई ने जब सेल करा था जेड को तो 25% प्रॉफिट लिया था. वाई ने जेड को किया था तो 25% लिया था. ओके, इस बात को यहां पे एक बार लिख लेते हैं. देखो, Y ने जब Z को माल दिया था तो 25% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा भाई? Y ने, और Z के स्टॉक में इंक्लूड होगा. कितना होगा वो अभी देख लेंगे. तो ऐसे ही Z ने Y को भी दिया होगा, Z ने Y को. तो Z ने Y को जब दिया तो कैसे दिया ये लिखा. देखो, डिपार्टमेंट Z ने बच्चों जब Y को दिया तो कैसे दिया, गुड्स टू, लिखा है ना, गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन अ कॉस्ट. 28% ऑन कॉस्ट, ओके, 28% ऑन कॉस्ट, राइट. फिर देखते हैं दोबारा से यहां पर. अब ये वाली बात, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है ट्रांसफर, यानी कि जो एक दूसरे को ट्रांसफर करा था वो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, मार्केट में बिका नहीं. Y ने जो Z को दिया था तो Z के पास बचा होगा 12,000, मतलब प्रॉफिट Y ने कमाया होगा. भाई Y ने Z को दिया तो प्रॉफिट किसने कमाया? Y ने कितने रुपए कमाए Z से? तो Y तो जब अर्न करता है Z से, देखो 25% ऑन सेल, तो आपको कंटेंट भी गिवन है, जीपी रेशियो भी गिवन है, सिंपल है. तो 12,000 का 25% कर लो. ठीक है, वाई टू जेड कितना है? 12,000, और जेड टू वाई कितना है? 21,200. तो सॉल्व करते हैं, Y to Z कितना है बच्चों? ये तो हमें मिल गया भाई, क्वेश्चन में 12,000 था, इस पे 25% प्रॉफिट Y ने कमाया है, तो इसका 25% होता है 3,000. और ये वाला कितना था एक बार और देख लेते हैं, ये वाला था भाई 21,200, राइट. तो 21,200 में ऑन सेल नहीं है, इस बार ऑन कॉस्ट है, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, राइट. ऑन सेल नहीं है, ऑन कॉस्ट है, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 128% से, देन कॉस्ट आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से. तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, 21,200 इनटू में 28 डिवाइड बाय 128, 4637.5. ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 4638. तो दोनों लोड आ गए हमारे पास. Y वाले में आएगा, देखो Y ने अर्न करा था 3,000, तो Y का रेक्टिफाई करते हैं. तो पहला डिपार्टमेंट Y है,
इसमें आ गया हमारा 3000, ठीक है, और इसमें आ गया 4638। अब मैनेजर को कमीशन कितना देना था, मैनेजर कमीशन था भाई इस क्वेश्चन के अंदर 10%, मैनेजर कमीशन कितना था 10%। ओके, तो नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन दे देंगे। तो आप ना वर्किंग नोट बनाना प्रॉपर मैनेजर कमीशन के लिए। मैं अभी डायरेक्ट यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं मैनेजर कमीशन, कैलकुलेटर में आपको समझ में आ जाएगा, बट आप एग्जाम में बनाएंगे तो वर्किंग नोट के साथ होना चाहिए मैनेजर कमीशन भी, ठीक है। तो 22,200 रुपए का प्रॉफिट है और इधर है 13,800, राइट, जेड का 13,800 और इनका है 22,200। तो 22,200 में से पहले माइनस कर लो वाई डिपार्टमेंट का, निकाल लो 22,200 माइनस 3,000 कितना आ जाएगा, 22,200 में से अगर हम 3,000 माइनस कर लें तो ये बचेगा बच्चों 19,200, इसका 10% निकाल लो। लो जी, तो मैनेजर कमीशन, ठीक है, मैनेजर को क्या देना है, कमीशन देना है। लो जी, कितना देना है 1920। तो फिर से हमारा नेट प्रॉफिट अब कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 19,200 में से अगर 10% चला गया तो ये बच गया 17,280, ठीक है। ऐसे ही डिपार्टमेंट जेड का भी निकाल लेंगे, जेड का प्रॉफिट है अभी हमारे पास 13,800 माइनस 4638, 13,800 माइनस 4638 9162, इसका 10% 916, ठीक है, ये दे दिया हमने। 10% अगर दे दिया तो बचा हमारे पास 8244, सॉरी 8246, दिस वन, इसका 10% 916 इसमें से माइनस कर दिया मैनेजर कमीशन का, राइट। तो अब ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, फुल प्रेजेंटेशन के साथ आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं प्रॉपर क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2022 का। नोट कर लीजिए इसको पूरा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिपार्टमेंट्स कराया और बोनस से देखते हैं अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जनरल एंट्री का पार्ट है इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्री करनी है, क्या कहता है देखें, राइज लिमिटेड विद सब्सक्राइब, बोनस से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो राइज लिमिटेड विद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल है 7,50,000 जिसमें 75,000 इनके क्या है इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, कॉल्ड अप कैपिटल है 7.5 पर शेयर, अब बोनस ऑफ रुपीज 1,87,500 डिक्लेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से क्या किया इन्होंने बोनस दे दिया, ठीक है, इन मेकिंग एन एग्जिस्टिंग शेयर क्या करा, टू अप्लाइड इन मेकिंग एंड द एग्जिस्टिंग शेयर फुल्ली पेड अप, इसको क्या बनाना है फुल्ली पेड अप बनाना है। तो देखो इसमें क्या करना है बच्चों, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो जो 75,000 शेयर है इसमें 7.5 तो रिसीव है, तो 2.5 रिसीव नहीं है ना, 2.5 करके 187,500 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 187,500, तो इसकी कॉल करनी है, ठीक है। कुछ इक्विटी शेयर्स हैं जिसको क्या देना है, कॉल वाला बोनस देना है, कॉल बोनस देना है, ठीक है। तो बोनस कॉल के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या था इसका क्वेश्चन नंबर, हम जो सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो जब फाइनल कॉल करते हो तो क्या एंट्री करते हो बच्चों, फाइनल कॉल करते हैं हम, एंट्री करते हैं शेयर
फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनल कॉल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर फाइनल कॉल डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 1,87,500। बट शेयर होल्डर से हमें पैसे नहीं लेने, दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होती है, सेकेंड होती है बैंक अकाउंट डेबिट, जब मनी रिसीव करते हैं तो ये एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बट अभी तो पैसे लेने नहीं है तो यहां पर ये नहीं आएगा, बैंक अकाउंट तो नहीं आएगा, बैंक अकाउंट नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, यहां पर हम लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर, क्या लिखेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक है, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, राइट। अब देना कहां से था, जनरल लेजर से, तो एक एंट्री और कर दो, जनरल लेजर डेबिट, देना कहां से था, जनरल लेजर से, तो जनरल लेजर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, इसको राइट ऑफ कर दो, बोनस टू शेयर होल्डर कितने का है, 1,87,500, 1,87,500, 1,87,500 और 1,87,500, सिंपल सा। तो हमने तीन एंट्री करी, बिल्कुल सिंपल सी, ये क्वेश्चन खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट वाला जो भी था, ठीक है, इन तीन एंट्री में क्वेश्चन खत्म। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप शेयर है 75 लाख, कंसिस्ट इक्विटी शेयर 10 each, ओके, फुल्ली पेड अप है। जनरल लेजर में इनके पास 13,50,000, इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज किया जाए 750 आउट ऑफ जनरल लेजर बाय इशू 75,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर, सिंपल सा बोनस शेयर देना है। ई शेयर होल्डर टू गेट वन सच, एक शेयर देंगे बोनस में, 75,000 शेयर्स थे ना ये, ठीक है ना, वन सा शेयर फॉर एवरी 10, अच्छा एवरी 10 पे वन देंगे, ठीक है, तो ये अच्छा 7,50,000 शेयर बनेगा, 75 लाख है ना 10 वाला, तो 7,50,000 आते हैं इसमें, देखिए। तो जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें 7,50,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, तभी तो 75 लाख की बने। अब एवरी 10 पे वन देना है, एवरी 10 पे क्या देना है, वन, तो बोनस शेयर कितना हो जाएगा भाई, 75,000 हो जाएगा, कैसे आया ये, आ गया 7,50,000 डिवाइडेड बाई 10 × 1, दिस इज बोनस। तो बोनस में कितना देंगे हम, 75,000 शेयर्स देंगे। अब इसको रुपीज में लिखते हैं, रुपीज में लिखें तो कितना बोनस हो जाएगा, 75,000 × 10 रुपीज, भाई एक शेयर 10 रुपए का तो है, तो 7,50,000 कहाँ से देना है बोनस, किसमें था पैसा, देखो एक बार भाई, कैपिटलाइज करना था कहाँ से, आउट ऑफ जनरल लेजर, आउट ऑफ जनरल लेजर, तो सिंपल सी बात है, जनरल लेजर, तो एंट्री पास कर दो भाई, सेम जैसे ऊपर एंट्री करी थी सेम वही एंट्री, कुछ नया नहीं करना, ये लास्ट वाली एंट्री देखो, जनरल लेजर टू बोनस, सेम वही एंट्री, तो एंट्री कर देते हैं जनरल फर्स्ट एंट्री, ठीक है, जनरल लेजर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, राइट, कितने का भी, 7,50,000 रुपए, 7,50,000 सेकेंड एंट्री। आप क्या करना है, सिंपल सा बोनस देना है और बोनस को राइट ऑफ कर दो, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, भी ट्रांसफर भी तो करोगे बोनस, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट, बोनस में हमने क्या दिया, हमने दिया है जी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, दिस इज एंट्री, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, बस दो एंट्री और कुछ नहीं करना। तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था ये हमारा पार्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसको भी नोट करिए जल्दी से, देन करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है ये आप नोट कर लीजिएगा, बाकी करते हैं नेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। सिक्स क्वेश्चन में है देखिए, इशू ऑफ राइट शेयर, राइट शेयर का क्वेश्चन है, काफी आसान होता है, इसमें भी कुछ टफ नहीं होता है, इजी होता है बिल्कुल। ठीक है तो क्या है देखिए, मीता लिमिटेड हैज डिसाइड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग एन राइट इशू, उसमें बोनस दे रहे थे इसमें राइट देंगे। ठीक है एग्जिस्टिंग शेयर, द कंपनी इज ऑफरिंग वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू शेयर, एक नया शेयर दे रहे हैं एवरी टू पे, यानी दो शेयर है जिसके पास उसको वन देंगे, जिसपे 100 है उसको 50 देंगे। देखते हैं क्या है, टू शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर एवरी टू पे वन मिल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 360, द कंपनी इज ऑफरिंग वन शेयर कितने में दे रही है 180 में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है तो हमारे काम की बात है 360 और ये कितना है, वन शेयर कितने का है 180 का, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं करना, वेरी वेरी इजी। ठीक है रीड करें एक बार और। ठीक है तो क्या करना है इसमें देखें, जिसके पास 360 रुपए वाले दो शेयर है उसको 180 वाला क्या मिलेगा, एक शेयर मिलेगा उसको, 180 वाला एक शेयर और मिल सकता है। ठीक है तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अभी आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या निकालना है, एक्स राइट वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। जिसके पास 360 रुपए वाले भाई दो शेयर हैं, अभी 360 के दो थे तो 360 के अगर दो थे, सॉरी 360 इंटू में टू, टोटल हो गया 720, 720 में दो शेयर है, एक शेयर और ले सकता है कितने का, 180 वाला, तो 180 वाला एक शेयर और आ जाएगा। अब टोटल कितने शेयर हो गए हमारे पास, तीन शेयर हो गए। ओके सर ये तो बहुत आसान है, 360 इंटू में टू 720 प्लस 180, यानी हमारे पास 900 रुपए के शेयर हो गए बट तीन हैं, तो पर शेयर वैल्यू क्या निकली, एक्स राइट वैल्यू क्या निकल के आएगी, 300 पर शेयर, 300 पर शेयर। अब इसका फॉर्मूला लिखा होता है आपकी बुक्स में भाई, फॉर्मूला एक बार मैं याद दिला देता हूँ, बाकी क्लास में जो हमने किया था वही है, कम राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो भी है। ठीक है कम राइट वैल्यू भाई 360 इंटू 2 होने चाहिए, अभी कितना होना चाहिए 360 इंटू 2, तो कितने शेयर और ले सकते हैं हम, नया राइट शेयर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं राइट शेयर, राइट शेयर तो एक ही मिलेगा भाई, राइट शेयर कितना मिलेगा, एक मिलेगा तो एक से इंटू करेंगे, दो मिलेगा तो दो से इंटू कर लेंगे, और कितने का है उसका अमाउंट, कितने का है उसका अमाउंट, तो हमने क्या अभी कितने शेयर थे 360 इंटू में टू, अब कितने हैं वन शेयर कितने वाला 180 वाला। ठीक है डिवाइडेड बाई टोटल शेयर, डिवाइडेड बाई इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, कितने शेयर टोटल शेयर, तो अब तीन शेयर हो गए, इस तरह का फॉर्मूला आपके बुक में गिवन था। ठीक है और भी कुछ मांगा है देखते हैं, व्हाट शुड बी द एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, अच्छा ये भी है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट भी है, तो ये भी सिंपल होता है, वैल्यू ऑफ राइट भी निकाल दो भाई, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कितना आएगा, वैल्यू ऑफ राइट पहले कितना था 360, अभी कितना है 300, कितना आ गया भाई 60 रुपीज, ये लो जी हो गया क्वेश्चन का ना, मैं क्लास में बताया था सेम वैसे ही। ठीक है और जब आप एग्जाम में करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी लिख देना, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। ठीक है एक्स राइट वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है तो इसको भी नोट कर लीजिए, तो हमने क्वेश्चन 5 और 6 कर लिया है। ठीक है सेवेंथ भी देखते हैं इस बार क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, तो ये कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए जी सेवेंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है, धीरज लिमिटेड हैड 5000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 एज फुल्ली पेड। ठीक है पेड अप, द कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर एट अ 10% ऑफ प्रीमियम, 5000 शेयर है। ठीक है इसको साथ के साथ ना नोट भी बना लेते हैं, क्वेश्चन
नंबर सेवन है ना, क्वेश्चन सेवन, 5,000 शेयर्स कौन से वाले हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर है, ₹10 वाला है, प्रीमियम पे रिडीम करना है। रिडेम्पशन कैसे करनी है? रिडेम्पशन एट प्रीमियम करनी है, प्रीमियम भी 10% है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम कितना है? 10%, ठीक है, 10% के प्रीमियम। अच्छा, ₹100 का शेयर है, ₹100 का शेयर है, ये लो जी, शेयर कितने का है? ₹100 का, ठीक है। तो सबसे पहले मनी अरेंज करते हैं, देखते हैं कहां से अरेंज करेंगे। इट वाज डिसाइड द कंपनी इशू, कंपनी इशू करेगी 40,000 इक्विटी शेयर ₹10 वाले और 2,000 12% डिबेंचर भी इशू करेंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? इशू करेगी 40,000 इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर ₹10 वाले और 2,000 12% डिबेंचर 100 वाले, 2,000 12% क्या करना है? डिबेंचर इशू करना है, कितने वाला? 100 वाला, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी एंट्री है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती थी वो याद दिलाओ, सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री शेयर इशू की करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखते हैं जनरल एंट्री क्या होने वाली है इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्ट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिडेम्पशन वाले चैप्टर में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर दें वो बेटर है। तो 40,000 इंटू में 10 कितना हो गया ये बच्चों? 4,00,000 रुपए, खत्म। सेकेंड एंट्री करते हैं, डिबेंचर इशू कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है इसको, बॉक्स बना के, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए है भाई ये? 2,00,000 रुपए, 12% डिबेंचर अकाउंट कितना है ये? 2,00,000 रुपए, ठीक है। अब रिडेम्पशन कितना करना था भाई? 5,000 × 100 मतलब 5,00,000, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना चाहिए था भाई? 10% मतलब 50,000, इसकी एंट्री भी कर दो भाई, दो एंट्री तो हो गई ना। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या होगी? अब रिडेम्पशन करना है, क्या करना है? रिडेम्पशन 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, सेम ऐसे ही बाईबैक भी होता है बट उसमें 25% होता है, प्रेफरेंस शेयर 100% कैन बी बाई 100% कैन बी रिडीम, ठीक है। तो 5,00,000 रुपीज, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात करें तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हम राइट ऑफ करते थे एसपीआर से, जब सफिशिएंट मनी एसपीआर में होगा तो एसपीआर में से, अगर एसपीआर में सफिशिएंट मनी नहीं है तो बच्चों जनरल लेजर या पीएनएल कहीं से मिल लेते। 10% है, ये कितना है? 50,000, ठीक है। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये आ गया हमारा 5,50,000, ठीक है। देखते हैं बच्चों इनके पास कहां पर मनी है, एसपीआर वगैरह है। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल अकाउंट वर रिसीव्ड, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में लिख के दे दिया बच्चों कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, जितना भी जनरल लेजर पीएनएल चाहिए अवेलेबल है। तो इसी से कर लेते हैं भाई, पीएनएल से भाई। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हमें कहां से राइट ऑफ करना चाहिए था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करते थे हम कहां से? एसपीआर से, बट अभी एसपीआर की इंफॉर्मेशन नहीं है, वही पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है? 50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये स्टेप मैंने आपको क्लास में लिखवाए हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, पहले मनी अरेंज करना है, देन रिडेम्पशन करना है, देन प्रीमियम अरेंज करना है, देन पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक कितने का भाई? 5,50,000 रुपए का पेमेंट दे दो इनको, 5,50,000 का पेमेंट दे दो, ठीक है।
तो 5.50 का पेमेंट हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब बनाते हैं हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर। तो सीआरआर कितना बनता है, रिडम्पशन कैपिटल माइनस न्यू इशू, रिडम्पशन कैपिटल माइनस न्यू इशू। तो रिडीम करिए हमने कितनी कैपिटल, रिडम्पशन कैपिटल कितनी है 5 लाख की, और न्यू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 4 लाख की। इन दोनों का डिफरेंस जितना कैपिटल में शॉर्ट आया होता है उतने का हम क्या बनाते हैं, सीआरआर बनाते हैं। भाई आपने 5 लाख की कैपिटल रिडीम करी, नई भी तो इशू कर दी 4 लाख रुपए की, तो शॉर्टेज रह गया 1 लाख का, उसको फुलफिल करने के लिए आप सीआरआर बना दें। तो सीआरआर बनाए प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का 1 लाख रुपए का, 1 लाख का हमने सीआरआर बना दिया, ठीक है। नोट करिए इसको भी, अब ये लीजिए ये 7 क्वेश्चन आप। ठीक है, ये और ये हमारा आगे का पार्ट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर बाकी नेक्स्ट में ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज इशू 1012% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल बाद रिडीम हो जाएंगे 1000 डिबेंचर्स 100 रुपीज का है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू दीज डिबेंचर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। इसके भी नोट्स पहले बना लेते हैं, 1012% डिबेंचर है, राइट। तो 8th क्वेश्चन के भी नोट्स बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो 1000 डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स, 1012% डिबेंचर ऑफ 100 एज, रिडीम कितने साल में होने हैं, टाइम है जो हमारे पास 5 इयर्स का है, रिडीम कितने साल में करने हैं 5 इयर्स, ठीक है। At a premium of 5%, the debenture holder had also had option to the redemption. Convert करा सकते हैं 20% of their holding. Debenture holder को बच्चों हमने option दे दिया, क्या option दिया कि convert करा लो अपने shares, equity shares में 10 रुपए वाले में, लेकिन 20% ही convert करेंगे at a price of 20 per share, बाकी हम cash में दे देंगे, 20 रुपए का एक share आपको मिल जाएगा, 20% आपका हम convert कर देंगे, और जो हमारा शेयर्स होगा इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 20 पर शेयर, और बाकी कैसे दे देंगे हम, कैश में दे देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ तक, और रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम था कितना 5%, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स अमाउंट कितना, 20,000 वालों ने ऑप्ट किया, तो 20,000 भाई 1000 इंटू में 100, तो 1 लाख का शेयर, उसमें से सिर्फ 20,000 वालों ने क्या बोला, यानी कि 200 डिबेंचर्स ने क्या बोला कि हमारे शेयर्स को कन्वर्ट कर दो, 200 डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्ट कराने के लिए रेडी हैं। भाई 20,000 का मतलब क्या है, 200 डिबेंचर्स जो कन्वर्ट कराने के लिए रेडी हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने ऑप्ट करा है ना ऑप्शन, तो सॉल्यूशन का पार्ट क्या बनेगा हमारा, 200 डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, ऑप्ट फॉर कन्वर्जन, तो 200 डिबेंचर्स हैं जिनके पास, 200 डिबेंचर्स ओनली, ये कह रहे हैं कि हमारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो, जिनके पास क्या है 200 डिबेंचर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दो। तो बताओ कितने डिबेंचर कन्वर्ट होंगे, बट कन्वर्जन कितना अलाउड है, बट अलाउड ऑनली कितना 20% लिखा हुआ था ना, तो 20% हम इनका कन्वर्ट कर देंगे 40, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, ठीक है। 40 क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, सिंपल सी बात है, 40 कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ 160, ये डिबेंचर हम कैश में देंगे, कैश, तो इनको क्या दे देंगे हम, कैश, कैश टू बी पेड रिमेनिंग डिबेंचर्स, राइट,
और देखते हैं कुछ और देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, डिबेंचर होल्डर 20,000 ने ऑप्ट किया, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशू एंड कैश पेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ ₹20,000 डिबेंचर होल्डर। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, 40 डिबेंचर्स वो हैं जो कन्वर्ट कराने जा रहे हैं और 160 क्या है, अच्छा ठीक है, 200 डिबेंचर्स ने बोला कन्वर्ट कर दो, तो 20% तो हम इनका कन्वर्ट कर देंगे, बाकी 160 जो बच गया उसको हम क्या देंगे, कैश देंगे। तो कैसे करना है आपको, देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेट कैश कितना पे करना है और इक्विटी शेयर कितने कन्वर्ट करना है। इक्विटी शेयर निकाल लेते हैं, इक्विटी शेयर कितना देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर देना पड़ेगा इस 40 डिबेंचर्स को, किसको देना पड़ेगा, 40 डिबेंचर को। तो जो 40 डिबेंचर है उसकी रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 105। भाई 100 प्लस 5 था ना प्रीमियम, तो 40 इंटू में 105, उसको रिडेम्पशन में मिलना चाहिए 4200। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हमारा एक शेयर हम उसको अलाउड कर रहे हैं 20 में, तो 20 से डिवाइड कर लो, 210 शेयर देंगे हम इसको, 210 शेयर हो गया काम खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितने शेयर देंगे, 210 शेयर्स, बाकी बैलेंस को क्या दे देंगे, 160 वाले को कैश दे देंगे। तो कैश टू बी पेड, कैश कितना पे करना है वो भी देख लो, कैश टू बी पेड डिबेंचर होल्डर को कैश 160 इंटू में 105, 105 रुपये देने हैं, किलो रुपीज, तो 160 इंटू में 105, तो 16,800 रुपये हमें कैश देने हैं, 16,800 रुपये क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को कैश देना है, कितना कैश पेमेंट करनी है और 210 शेयर देने हैं। ये कैलकुलेशन ही मांगी है और आपसे कुछ नहीं मांगी, ठीक है, तो इसको भी आप बेटर प्रेजेंटेशन में सॉल्व करके दे देंगे। चलिए जी, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट में।